दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? और तैयारी कैसे चल रही है? आई होप कि सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स, जो कि पिछले 3 दिनों का कवर हम लोग करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, इंदिरा नूई स्टेप्स डाउन एस पेप्सी को सीईओ आफ्टर 12 ईयर्स। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इंदिरा नूई ने, जो कि इंडिया बेस्ड है, उन्होंने 12 साल बाद पेप्सी को के सीईओ से रिज़ाइन किया है। शी वॉज वर्किंग देयर फॉर लास्ट 24 ईयर्स। पिछले 24 सालों से वह वहाँ पर काम कर रही थी। और अगर हम लोग बात करें तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। तो शी वॉज वर्किंग देयर फॉर लास्ट 24 ईयर्स। तो अभी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। शी वॉज 62 ईयर ओल्ड नूई। और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ सकता है कि चलो, ये तो हम सबको याद रह गया कि इंदिरा नूई जी ने स्टेप्स डाउन कर दिया सीईओ से, बट अभी नया सीईओ कौन बनेगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इधर आप देख सकते हो, शी विल बी सक्सीड बाय रोमन लघुतरा। तो ये कोई वहाँ के होंगे जिनका नाम बहुत ही ऑकवर्ड है, जो कि रामोन लघु लघुआत्रा। तो वो उनको अभी वो सीईओ बनेंगे, अक्टूबर 3 से बनेंगे। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो HDFC बैंक रेज फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स बाय अप टू 0.6 पोस्ट RBI रेपो रेट हाइक। अभी हम सबको पता है कि RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट से हाइक किया है। तो वही उसके बाद HDFC बैंक ने भी 0.06% से उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया है। अभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि करंट इंटरेस्ट रेट क्या है HDFC बैंक का, ठीक है, इसीलिए मैंने इधर नहीं दिया है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो SC ST एंड क्रिमिनल लॉ, दैट इज अमेंडमेंट बिल पासिस बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने एक बिल पासिस किया है, किसका, तो SC ST एंड अमेंडमेंट का। तो वो क्या है, तो उन्होंने, जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत दिनों से ये दिक्कत चल रही है SC ST वालों को लेकर, तो अभी ये बिल पास हो गया है कि देर बी नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विल बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टरिंग क्रिमिनल केस। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, एंड अरेस्ट अंडर दिस लॉ वुड नॉट जस्ट बी सब्जेक्ट टू एनी अप्रूवल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको पढ़ना है तो इधर मैंने पूरा दिया हुआ है कि क्या चीज़ है, कि एनी एंटीसेप्टरी बेल फॉर अ पर्सन अक्यूज ऑफ अट्रोसाइटिस अगेंस्ट SC ST नाउ विथ स्टैंडिंग एनी कोर्ट ऑर्डर PTI रिपोर्टेड। तो ये एक चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है कि अमेंडमेंट बिल पास हो गया है SC ST के रिलेटेड। हाँ, ये पूरा का पूरा ऐसे टॉपिक आपको पूछ सकते हैं कहीं पे भी, या फिर क्योंकि ये मुद्दा बहुत चर्चा में है। जैसे कि आपको पता है कश्मीर का 370 है, फिर 35A जो है वो सारे, और ये SC ST का ये जो अमेंडमेंट बिल है वो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बट आपके इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो जो जो क्राइसिस अभी चल रहे हैं, या फिर जो जो मुद्दे इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं जिसको हम लोग एवरीडे न्यूज़पेपर में देखते हैं, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ, जैसे कि अभी ये 35 कश्मीर का जो 35A है और 370 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मतलब वो आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू पे कि ये सारे मुद्दे क्या चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम या फिर आपने क्या पढ़ा, दैट इज़ 2 + 2 = 4। आई मीन कि वो बेसिक चीज़ें नहीं पूछते, अभी सब यही पूछते हैं कि करंट चल क्या रहा है न्यूज़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, SBI लीडिंग नो मनी देन पे मोर। अभी इसका मतलब क्या है, मैंने इसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, SBI लीडिंग नो मनी देन पे मोर। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे बैंक में एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए,
अकाउंट चालू रखने के लिए एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। अगर वो अमाउंट नहीं है, मान लो मैंने 1000 रुपये की मिनिमम अमाउंट रखी है और ऐसा हो जाता है कि साल में 3-4 बारी मेरा जो अकाउंट अमाउंट होता है वो जो मेरा बैलेंस होता है वो 1000 रुपये से कम चला जाता है, मान लो 600 रुपये हो जाता है, तो मुझे उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा या फिर कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो वो पेनल्टी एसबीआई में ये जो सारे बैंक्स होती है वो सब भी बैंक पेनल्टी लेती है, तो एसबीआई ने इस पेनल्टी से सबसे ज़्यादा रुपए कमाए। किसने? एसबीआई ने सबसे ज़्यादा रुपए कमाए इस पेनल्टी से। सो इसीलिए ऐसा बोला गया एसबीआई लीडिंग नो मनी देन पे मोर। अभी ऐसा कुछ सवाल आ भी सकता है, हम लोग कुछ बता नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये ध्यान में रखना कि एसबीआई लीड कर रही है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियाज बुलर लीड्स बाय 1 इन फीजी। तो हम सबको पता है कि गगनजीत जो है उन्होंने यूरोपियन टाइटल जीता है, ये जो टाइटल है गोल्फर हमारे इंडियन गोल्फर गगनजीत बुलर, तो उन्होंने यूरोपियन फर्स्ट यूरोपियन टाइटल जीता है, तो ये हमें ध्यान में रखना ही रखना है क्योंकि ये सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पोर्ट्स में से आ सकता है। नेक्स्ट बात करें, NHAI इंक MOU विथ SBI फॉर लॉन्ग टर्म अनसिक्योर लोन फॉर ऑफ ₹25,000 करोड़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ दिस NHAI स्टैंड्स फॉर? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट NHAI इज नथिंग बट अ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ दे हैव साइंड 1 MOU। नाउ MOU इज वॉट? A return agreement we can say, or a full form of MOU is memorandum of understanding। Now ये memorandum of understanding उन्होंने किसके साथ किया है? तो SBI के साथ, बहुत important point है, अगेन आपको याद रखना है। ये 25,000 करोड़ का जो उन्होंने किया है साइन, वो कितने साल के लिए? तो की है वो 10 साल के लिए विद 3 ईयर्स ऑफ रीपेमेंट्स। तो अभी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि आपको अभी ये डाउट होगा कि अनसिक्योर लोन क्या होती है, क्या वो सिक्योर नहीं है? हाँ, अनसिक्योर मतलब सिक्योर नहीं है, उसका मतलब क्लियरली ये हुआ कि अनसिक्योर लोन यानी कि उन्होंने कुछ, जब भी कोई बैंक कोई अग्रीमेंट साइन करता है या फिर कोई MOU साइन करता है तो उन्होंने कोई सिक्योरिटी दी हुई रखी है। सिक्योरिटी यानी कि कैसे सिक्योरिटी? तो सभी बैंक्स को, सभी बैंक्स के पास कुछ ना कुछ टाइप की सिक्योरिटी होती है, जैसे कि कोई भी बैंक है तो उसके पास RBI की सिक्योरिटी होती है कि भाई मान लो कल को वो बैंक में कोई माल्या जैसे बंदे आ गए और उनके पैसे बहुत सारे ले गए, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो चाहिए कि वो बैंक से लोन तो ले सके। तो वो बैंक से लोन लेना यानी कि उन लोगों के पास ऐसा अग्रीमेंट होता है, एक पेपर होता है कि जो पेपर वो लोग गिरवी रखते हैं और उसी पेपर पे उनको लोन मिलता है, पर वो हो गया सिक्योर लोन। अब हम लोग बात करें अनसिक्योर लोन की, तो अनसिक्योर लोन वो होता है कि जिसमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई होती है, यानी कि कोई अग्रीमेंट वैसा नहीं होता, कोई पेपर वेपर दिया नहीं होता। मान लो अगर हम लोग लोन लेने जाते हैं, गोल्ड लोन लेने गए, तो गोल्ड गिरवी रख के उस पे ऊपर हमें कुछ पैसे मिलेंगे क्या? तो वो क्या होता है, एक सिक्योरिटी हुई कि कल को मान लो मैंने 2 या 5 तोला सोना रखा गिरवी, मान लो मैं पैसे लेके भाग गई, तो क्या मैं भाग सकती हूँ? हाँ, भाग तो सकती हूँ, पर मेरा सोना वापस नहीं मिलेगा मुझे, क्लियर सी बात है, क्योंकि मैंने वो गिरवी रखा था, वो मेरी सिक्योरिटी थी। तो वैसे ही चीज़ को सिक्योरिटी बोलते हैं, और जिस मतलब बैंक्स के पास सोना नहीं होता पर उन लोगों के पास वैसी रिटर्न अग्रीमेंट्स होते हैं कि हाँ इतने रुपए की आपके पास अथॉरिटी है, आप इतने रुपए सिक्योर करा सकते हो। तो ये हो गई बात सिक्योर लोन की, और अनसिक्योर लोन यानी कि कुछ भी चीज़ें गिरवी नहीं रखी, क्लियर? ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और एक चीज़, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फास्ट टैग की, मैंने आपको पहले भी न्यूज़ में बता दिया है कि फास्ट टैग जो है यानी कि अगर हमें ये सारे जो भरने होते हैं, टोल भरने होते हैं, टोल टैक्स भरने होते हैं, वो अबे हमें रुक के खुद भरने नहीं पड़ेंगे, जैसे ही हमारी कार उस
सेट से पसार होगी तो हमें वो मिल जाएगी, तो उसी के रिगार्डिंग वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्स 122 रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडर IMPRINT2। तो अभी ये कौन से प्रोजेक्ट्स है, तो प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव टू कवर डोमेन्स सच एज एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एडवांस मटीरियल, ICT एंड सिक्योरिटी डिफेंस डोमेन्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने 122 नए प्रोजेक्ट, 122 नए प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। किसके अंडर अप्रूव किया है, तो IMPRINT, उसका फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें व्हाट स्टैंड्स फॉर आई और समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और ये किसने बोला है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है, यूनियन HRD मिनिस्टर जो है, प्रकाश जावड़ेकर ने बोला है। क्लियर। नेक्स्ट है मैत्री 2018 इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन थाईलैंड। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मिलिट्री जो इंडिया और थाईलैंड की जो मिलिट्री है उन्होंने कंबाइन एक एक्सरसाइज किया था, जो कि है 20 मैत्री करके उसको नाम दिया है। और तो क्या बोला है कि इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी वॉज कंडक्टेड इन थाईलैंड। तो अभी ये कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड में हुआ था, और कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो 6 से 19 अगस्त 2018 में ये हुआ था। तो ये भी आपको डेट भी ध्यान रखनी है। और इस ये किस लिए हुआ था, तो डेवलपिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बोहिमी बिटवीन आर्मीज ऑफ बोथ कंट्रीज इन ऑर्डर टू काउंटर टेररिज्म। तो ये भी उसका एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर कहीं पे से आपको सवाल आ गया तो। मान लो आपको कोई ऐसे राइटिंग या ऐसे कुछ में भी पूछ लिया, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। मैत्री 2018 बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, ऐसा पूछ सकते हैं मैत्री 2018 के में, मैत्री 2018 एक्सरसाइज में इंडिया के साथ दूसरा कौन सा कंट्री था, तो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि थाईलैंड। नेक्स्ट है गुरु मूर्ति अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ RBI। तो अभी जिस कोई भी नया नए इंसान की कहीं हाईली जो RBI है, फिर वैसे सारी जो रिलायंस है, उन सब में अगर कोई अपॉइंट होता है या फिर कोई रिज़ाइन करता है, तो वो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि वो दोनों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गुरु मूर्ति अपॉइंटेड एज ए न्यू बोर्ड ऑफ RBI, एज अ बोर्ड ऑफ RBI, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स थे सेंट्रल बोर्ड रिजर्व। क्या है कि गुरुमूर्ति एंड सतीश एज ए पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 4 ईयर्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या बोला है, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इश्यूड देयर अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन आफ्टर अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट हेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वो हेड किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपने PM जो होते हैं वो उसको हेड करते हैं। तो ये हुई बात कि अपॉइंट किया है गुरुमूर्ति को RBI में। नेक्स्ट है करुणा निधि लेट टू रेस्ट इन मरीना बीच नेक्स्ट मेंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2-3 दिनों से न्यूज़पेपर में सिर्फ उन्हीं की ही फ्रंट पेज पूरा उनसे ही भरा होता है। तो करुणा निधि जो है वो बहुत एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, जो कि DMK को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे ही हमारा BJP है वैसे ही DMK है, ये साउथ इंडिया के यानी कि तमिलनाडु वो सब जो स्टेट्स है वहाँ के बहुत बोल सकते कि फॉरमोस्ट पर्सन थे, कि करुणा निधि करके जो 94 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन सी कहाँ से कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, तो वो DMK है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जेल टर्म फॉर एडल्ट्री डज नॉट मेक सेंस। तो अभी हाई कोर्ट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एपेक्स कोर्ट ने बोला है
अगर मान लो कोई एडल्टरी है, दो मतलब अगर कोई लड़के लड़की ने शादी की है, अगर वो एडल्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही शादी की होगी, तो उसके बाद अगर कोई गुनाह होता है तो सिर्फ लड़के को ही क्यों, वाई ओनली मैन? तो वो एक पूरा मुद्दा उठा है कि अगर वो कुछ ऐसा हो रहा है तो एडल्टरी है, सिविल रिमेडी दैट इज़ डिवोर्स, तो उन लोगों को डिवोर्स ले लेना चाहिए, वो भी एक चीज़ है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन को जेल हो। तो वो एक चीज़ बोली है जस्टिस दीपक मिश्रा ने। नेक्स्ट है हरियाणा लॉन्चेस पोर्टल। अभी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है, मान लो कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर से दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, जो मान लो कि कोई एक सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको बिल पे करना है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, तो वो बिल पे करने के लिए चेक से उसको पे नहीं करना पड़ेगा, वो ऑनलाइन पोर्टल मतलब सारे काम जो होंगे, जो ऑनलाइन जो चीज़ें अभी पेन पेपर से होती है, वो चीज़ें पेन पेपर से नहीं होगी। अभी इसका मेन मोटिव क्या है, तो ऑनलाइन सिस्टम बजटरी ट्रांजेक्शन वुड नॉट ओनली इन्हांस ट्रांसपेरेंसी, या ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंसी यानी कि अभी जो मोदी गवर्नमेंट चाह रही है कि ये पैसे मान लो कि आप लोग 5-6 हज़ार अपनी जेब में रख के चलते हो, तो वो 5-6 हज़ार रुपये जेब में रख के ना चलो, उसके अलावा आप कार्ड्स लेके चलो। कार्ड्स क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो फॉरेन कंट्रीज़ में मोस्टली पीपल डोंट यूज़ नोट्स, दे यूज़ कार्ड्स। अगर उन लोगों को पेट्रोल भी भरवाना है, ग्रॉसरी भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो दे आर यूजिंग देयर कार्ड्स। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बैंक से, तो कोई ब्लैक मनी का चांस नहीं है। क्लियर? तो वो आपको ध्यान में रखना है। बट ऑल्सो इंक्रीज द वर्किंग एफिशिएंसी ड्राइंग एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। तो ये क्या है कि सिर्फ इंसान ही काम नहीं करेंगे, अगर मशीन्स भी काम करेंगे, तो वर्किंग एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी तो ऑफ कोर्स बढ़ेगी। ये किसने बोला है? तो अभिमन्यु ने बोला है, फिनांस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है निखिल नंदा अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एस्कॉर्ट। तो जैसे कि हम सबको पता है एस्कॉर्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, दैट निखिल नंदा उनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एस्कॉर्ट। फार्म एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेकर्स एस्कॉर्ट टुडे अपॉइंटेड निखिल नंदा एज अ चेयरमैन एंड अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू सक्सीड हिज फादर राजन नंदा हु पास्ड अवे अर्लियर दिस वीक आफ्टर ब्रीफ इलनेस। तो उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो राजन नंदा की डेथ हो गई, उसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है वो निखिल नंदा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकते हैं क्योंकि हाल ही में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। न्यू ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी कम्स इनटू इफेक्ट इन राजस्थान। तो हम सबको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको माँ का दूध नहीं मिलता, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सारे बच्चों के लिए, तो इसीलिए राजस्थान ने नई एक पॉलिसी इफेक्ट में लाई है, जो कि है न्यू ब्रेस्ट फीडिंग। वो बहुत टाइम से ये मुद्दा चल रहा था अगर आपको ध्यान में हो तो इनक्रेजिंग रूरल कम्युनिटीज़, रूरल कम्युनिटीज़ को इनक्रेज करने के लिए ये पूरा इनिशियल लिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एक और चीज़, वीक द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व्ड बिटवीन अगस्त 1 से 7, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग का वीक कौन सा है, 1 से 7 अगस्त। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लांट टू बी अनवील्ड इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड का सबसे पहला जो थर्मल बैटरी प्लांट है वो खुलेगा। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, वहाँ पे ये खुलने वाला है, और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कौन चीफ मिनिस्टर जो है वो चंद्रबाबू नायडू, तो नायडू साहब है अपने, वो इसको प्लांट को अनवील करेंगे। और ये किसके मैन्युफैक्चर किसने किया है, तो ये आप देख सकते हो कि भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट।
भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। फुल फॉर्म आपको सभी के याद रखने ही रखने हैं। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गुजरात गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ओके, आप क्या करो, आप सारे फुल फॉर्म जो अभी तक के करंट अफेयर्स में सारे फुल फॉर्म थे वो एक बार ही लिख दो, ताकि आपको एग्ज़ाम में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रट लो, आपको सारे के सारे तो याद नहीं रहेंगे, बट एटलीस्ट आपने पढ़ा होगा एक दो बार ही, तो आपको ध्यान रहेगा, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो बोला है कि दिस बैटरीज आर बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड देयर प्रेजेंस इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस्ट की मैन्युफैक्चर किसने किया है, बेस्ट ने। और ये सवाल तो मतलब आ भी सकता है कि सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट इंडिया में कहाँ पे हुआ है, तो वो आंध्र प्रदेश में होगा और उसकी कैपिटल जो है अमरावती, वहाँ पे होगा। नेक्स्ट बात करें तो सैमसंग विल इन्वेस्ट $22 बिलियन इन AI। AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड बायोफार्मा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सैमसंग कितने, ये अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, $22 मिलियन, और कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, AI दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड बायोफार्मा। तो ये थी हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़, जो कि पिछले 3 दिनों की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपको ध्यान में रखनी है। और मुझे आपको मुझे बताना होगा HDFC वाला जो मैंने आपको दिया है कि उसका रेट, करंट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट, और सब करंट अफेयर्स एक बारी देख लिया करो, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपका, 25 मिनट हार्डली लगेगा, तो वो देख लिया करो, ताकि इससे आपका जितना करंट, मान लो एग्ज़ाम की डेट आई और फिर आप करंट अफेयर्स करने बैठे, तो मतलब आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, आप कर भी नहीं पाओगे, और उससे बेटर है रोज़ का रोज़ कर लो एक बारी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आई होप कि आपको आज की न्यूज़ में पूरा पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।